राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवस गुजरात दौऱ्यावर आहेत। दौऱ्याच्या आजच्या दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रपति गुजरातच्या गांधीनगर इथं राष्ट्रीय ई विधान एप्लिकेशनचं उद्घाटन करतील, तसंच त्या विधानसभा सदस्यांना संबोधित करतील। त्या गुजरातच्या राजभवनमधून आयुष्मान भव अभियानाचा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे प्रारंभ करतील। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वतीने आयुष्मान भव अभियानाचं आयोजन करण्यात येत आहे। देशभरात सर्वांसाठी आरोग्य सुविधा सुनिश्चित करणं हा या अभियानाचा उद्देश असल्याचं केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी सांगितलं आहे। 17 सप्टेंबरपासून ते 2 ऑक्टोबर अर्थात गांधी जयंतीपर्यंत हे अभियान सेवा पंधरवड्या अंतर्गत राबवलं जाईल। आयुष्मान मेला में देश में जैसा मैंने बताया 1,60,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। हम इस अभियान से परमानेंट हर सप्ताह में आयुष्मान मेला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लगाना चाहते हैं। वहां लाभार्थी आएगा, उसका स्क्रीनिंग होगा, उसको मुफ्त इलाज मिलेगा, उसको वैक्सीनेशन मिलेगा, सरकार की सारी योजना का फ्री लाभ उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर मिले। इसलिए आयुष्मान मेला परमानेंट बाद में हम कल से प्रारंभ करवा रहे हैं, बाद में रेगुलर हर सैटरडे फ्राइडे जो भी स्टेट अपने स्टेट में अनुकूलता हो स्टेट उसके अनुसार सप्ताह में एक बार हेल्थ मेला लगाएंगे।